फ्रेंड्स, मेरे एक सब्सक्राइबर हैं और आपने कमेंट बॉक्स में पूछा कि आई विश और इफ ऑनली का क्या इस्तेमाल है, यानी स्पोकन इंग्लिश में हम कब आई विश और इफ ऑनली का इस्तेमाल करें। तो आइए फ्रेंड्स, इस कंसेप्ट को समझें। बहुत आसान कंसेप्ट है, उम्मीद करता हूँ कि आप पूरी बात समझेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए फ्रेंड्स, आज के लेसन की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आई विश और इफ ऑनली, इन दोनों का मीनिंग काश होती है। यहाँ पर मैंने कुछ स्ट्रक्चर्स बनाया हुआ है जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर आप इसे जानेंगे तभी आप आई विश और इफ ऑनली का इस्तेमाल शानदार तरीके से सीख पाएंगे। तो आइए फ्रेंड्स देखें कि वो क्या स्ट्रक्चर्स हैं। फ्रेंड्स, ये काश वाली बातें अगर प्रेजेंट में हो तो आप आई विश या इफ ऑनली के साथ पास्ट सिंपल का इस्तेमाल करेंगे। पास्ट सिंपल मीन्स वॉज वर या हैड या फिर सेकेंड फॉर्म। लेकिन अगर आपके ये काश वाले सेंटेंसेस पास्ट में हो यानी गुजरी हुई हो तो आप आई विश या इफ ऑनली के साथ पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। अब इसे कैसे करना है ये बात हम लोग आगे के एग्जांपल में समझेंगे। तो आइए सबसे पहले हम कुछ सेंटेंसेस देखें जो प्रेजेंट में होगा और आप इस तरह के सेंटेंसेस को आई विश या इफ ऑनली के साथ पास्ट सिंपल का इस्तेमाल करेंगे। जैसे, मैं गरीब हूँ, आई एम पुअर, काश मैं गरीब नहीं होता। तो आप कहेंगे आई विश। आप आई विश के जगह पर इफ ऑनली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। काश मैं गरीब नहीं होता, आई विश आई वॉज नॉट पुअर। तो फ्रेंड्स, यहाँ आपने देखा कि आपके सेंटेंस प्रेजेंट में है, इसलिए आप काश वाले सेंटेंस को पास्ट सिंपल के मदद से ट्रांसलेट किए, यानी आपने यहाँ पर वॉज का इस्तेमाल किया। फ्रेंड्स, हो सकता है कि आप ये सोचे कि इस तरह के सेंटेंसेस में वॉज का इस्तेमाल नहीं होता, यानी अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो भी हमें वर का इस्तेमाल करना चाहिए। तो मैं आपसे कहूंगा फ्रेंड्स कि आपका सोचना सही है। ये कल्पना वाले सेंटेंसेस में यानी इस तरह के सेंटेंसेस में आई के साथ वर का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हर बार आई के साथ वर का इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसका एक कंसेप्ट है जिसको आपको समझना होगा कि इस तरह के सेंटेंसेस में कब आप सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज का इस्तेमाल करेंगे और कब आप वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। यानी अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो कब आप सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, और अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो कब आप प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको ये बात नहीं पता या आप इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें, तो मैं कल इस टॉपिक पर वीडियो दे दूंगा कि इफ आई वर या इफ आई वॉज कौन सही है, और अगर ये दोनों सही है तो इनका सही इस्तेमाल क्या है, किस कंडीशन में आप इफ आई वॉज बोलेंगे या आई विश आई वॉज बोलेंगे या आई विश आई वर बोलेंगे। फिलहाल आइए इस कंसेप्ट को समझें। फ्रेंड्स, अगर आप इस टॉपिक को अच्छा से सीखना चाहते हैं तो आपको एक बात याद रखना होगा जो बहुत जरूरी है। अगर आप ये बात याद नहीं रखेंगे तो फिर शायद इस कंसेप्ट को आप ठीक से नहीं समझ पाएंगे। और वो रूल है कि अगर आपका सेंटेंस में इजारम का इस्तेमाल हुआ है तो आप उसको वॉज वर्ब में चेंज कर देंगे। अगर आपके सेंटेंस में वॉज वर्ब आए हैं तो आप हैडविन में चेंज कर दें। अगर आपके सेंटेंस में हैव या हैज है तो आप उसे हैड में चेंज कर देंगे। अगर आपके सेंटेंस में हैड है तो आप उसे हैड हैड में चेंज कर देंगे। और बाय द वे फ्रेंड्स, अगर आपके सेंटेंसेस प्रेजेंट टेंस में है तो आप उसे पास्ट टेंस में चेंज कर दें, और अगर आपका सेंटेंस पास्ट टेंस में है तो आप उसे परफेक्ट टेंस में चेंज कर दें। तो फ्रेंड्स, अगर आप ये बात याद रख सकते हैं तो फिर ये टॉपिक आपके मुट्ठी में है। तो आइए फ्रेंड्स कुछ एग्जांपल्स देखें ताकि आप इसे आसानी से कर पाए। मैं लापरवाह हूँ, आई एम केयरलेस, काश मैं सतर्क होता। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर कहेंगे आई वॉज केयरफुल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा आपका पहला सेंटेंस प्रेजेंट में है जहाँ आपने एम का इस्तेमाल किया है, इसलिए काश वाले सेंटेंस में हम वॉज का इस्तेमाल करेंगे, यानी इजारम का पास्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। वह मोटी थी, काश वह दुबली होती। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा पहला सेंटेंस पास्ट में है, सी वॉज फैट, काश आई विश वह दुबली होती। तो फ्रेंड्स, आप इसको ऐसे ट्रांसलेट करेंगे, सी हैड बीन थिन। तो फ्रेंड्स, आप यहां देख सकते हैं कि अगर आपका सेंटेंस पास्ट में है यानी वहां पर वॉज या वर का इस्तेमाल हुआ है तो काश वाले हिस्से को आप हैड बीन से ट्रांसलेट करेंगे, जैसा कि मैंने यहां पर किया हुआ है। उसके पास एक दोस्त है, काश उसके पास चार दोस्त होते। तो फ्रेंड्स, इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही हैज अ फ्रेंड, आई विश ही हैड फोर फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा इस सेंटेंस में हैज का इस्तेमाल हुआ है। तो जब आपके पहले सेंटेंस में हैव या हैज का इस्तेमाल हो तो आपका
कास्ट वाला सेंटेंस हैड से ही ट्रांसलेट होगा, जैसा कि मैंने यहाँ पर हैड लिखा हुआ है। मेरे पास एक किताब था, आई हैड अ बुक, काश आई विश मेरे पास दो किताबें होता। तो फ्रेंड्स इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई हैड हैड टू बुक्स। तो फ्रेंड्स जैसा कि आपने देखा कि आपके पहले वाले सेंटेंस में हैड का इस्तेमाल हुआ है, तो कास्ट वाले सेंटेंस को आप हैड हैड की मदद से ट्रांसलेट करेंगे। तुम यहाँ नहीं हो, काश तुम यहाँ होते। तो फ्रेंड्स इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे यू आर नॉट हेयर इफ ऑनली यू आर हेयर। तो फ्रेंड्स आपने यहाँ देखा कि चूंकि आपका यह सेंटेंस प्रेजेंट में है, इसलिए कास वाले सेंटेंस को मैंने पास्ट सिंपल के मदद से ट्रांसलेट किया है। क्योंकि तरीका यह है, अगर आपका सेंटेंस प्रेजेंट में है तो कास वाले हिस्से को आप पास्ट सिंपल की मदद से बोलेंगे। आगे के एग्जांपल में हम ये भी सीखेंगे कि अगर आपका पहला सेंटेंस पास्ट में है तो कास वाले सेंटेंसेस को आप कैसे ट्रांसलेट करेंगे। आइए फ्रेंड्स कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। तुम सुस्त हो, काश तुम सुस्त नहीं होते। तो फ्रेंड्स इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे यू आर लेजी, आई विश यू वरंट लेजी। फ्रेंड्स आपने यहाँ देखा कि मैंने काश वाले सेंटेंस को वर नॉट की मदद से ट्रांसलेट किया है। आइए फ्रेंड्स कुछ और डिफरेंट एग्जांपल देखते हैं। मेरे पास एक कलम है, काश मेरे पास चार कलमें होता। तो फ्रेंड्स इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई हैव अ पेन इफ ऑनली आई हैड फोर पेन्स। तो फ्रेंड्स आपने यहाँ देखा कि मैंने काश वाले सेंटेंस को हैड की मदद से ट्रांसलेट किया है, यानी पास्ट सिंपल की मदद से ट्रांसलेट किया है। तुम वहाँ नहीं थे। तो फ्रेंड्स आपने यहाँ देखा कि ये सेंटेंस पास्ट में है, जैसा कि मैंने इसका ट्रांसलेशन किया हुआ है यू वर नॉट देयर। तो जब हम कास्ट वाले सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे तो हम पास्ट परफेक्ट टेंस की मदद से ट्रांसलेट करेंगे, यानी हम कहेंगे आई विश यू हैड बीन देयर। तो फ्रेंड्स आपने यहाँ देखा कि यहाँ पर मैंने हैड बीन का इस्तेमाल किया, जो कि पास्ट परफेक्ट टेंस है, यानी ये हैड और ये थर्ड फॉर्म लिखा हुआ है। तो फ्रेंड्स आपको ये बात समझना होगा कि अगर आपका पहला सेंटेंस पास्ट में है तो कास वाले सेंटेंस को आप पास्ट परफेक्ट की मदद से ट्रांसलेट करेंगे, लेकिन अगर आपका पहला सेंटेंस प्रेजेंट में है तो कास वाले सेंटेंस को आप पास्ट सिंपल की मदद से ट्रांसलेट करेंगे। वह कोशिश नहीं की, काश वह कोशिश की होती। तो फ्रेंड्स इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे शी डिड नॉट ट्राई इफ ऑनली शी हैड ट्राइड। तो फ्रेंड्स आपने यहाँ देखा कि आपका पहला सेंटेंस पास्ट में है, इसलिए काश वाले सेंटेंस को मैंने पास्ट परफेक्ट टेंस के मदद से ट्रांसलेट किया, यानी हैड प्लस थर्ड फॉर्म के मदद से ट्रांसलेट किया गया। वह वहाँ नहीं गया, काश वह गया होता। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं आपका पहला सेंटेंस पास्ट में है, इसलिए जब आप कास वाले सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे तो आप पास्ट परफेक्ट टेंस का सहारा लेंगे, यानी आप हैड के साथ थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। ही डिड नॉट गो देयर, आई विश ही हैड गॉन, यानी वह वहां नहीं गया था, काश वह वहां गया होता। आइए फ्रेंड्स एक और खास बात जान लें ताकि लर्निंग में कोई कमी न रहे। फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको ये खास बात बता दूं कि कई बार आपके कास वाले सेंटेंसेस वुड या वुड नॉट की मदद से भी ट्रांसलेट किया जाता है, और ऐसा तब किया जाता है जब आप अपनी नाराजगी को बताएं, यानी आप किसी से नाराज हैं, और जब आप अपनी नाराजगी को बताएं तो इस सेंस में आप कास वाले सेंटेंसेस को उड से ट्रांसलेट कर सकते हैं, जैसे तुम हमेशा देर होते हो, काश तुम वक्त पर आते। तो फ्रेंड्स इस सेंटेंस से पता चला कि कोई इंसान किसी से खफा है या नाराज है, और नाराजगी में वो कह रहा है कि तुम हमेशा देर होते हो, काश तुम वक्त पर आते। तो इस तरह के सेंटेंसेस को आप उड के मदद से ट्रांसलेट करेंगे, जैसे यू आर ऑलवेज लेट, आई विश यू हैड कम ऑन टाइम। आइए फ्रेंड्स एक एग्जांपल और देखते हैं। वह बहुत घमंडी है, काश वह घमंडी नहीं होती। तो फ्रेंड्स इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे शी इज वेरी एरोगेंट, आई विश शी वुड नॉट बी एरोगेंट। तो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने देखा यहाँ पर नाराजगी बताया गया कि कोई इंसान किसी से खफा है, नाराज है, और वो कह रहा है कि वह बहुत घमंडी है, काश वो घमंडी नहीं होती। तो जब बात नाराजगी की हो तो आप कास वाले सेंटेंस को वुड या वुड नॉट की मदद से ट्रांसलेट करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आज का लेसन आपको शानदार तरीके से समझ में आया। फ्रेंड्स अगर वाकई आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।